नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep पर। UPPCS मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम बदल चुका है। प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग शामिल की जा चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा भी एक चैलेंज है, पैटर्न भी थोड़ा सा बदल रहा है। प्रश्नों का जो एक दायरा है उसको बढ़ाया जा रहा है। प्रश्न थोड़े से अब फैक्चुअल से बढ़कर कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं, या जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको करंट से रिलेट किया जा रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान करके ही हम परीक्षा को पास कर सकते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको एक ऐसी तैयारी में हेल्प करे जिससे कि आपका मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी कवर होता चले और प्रारंभिक परीक्षा भी आपकी तैयार होती चले, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो बहुत नज़दीक है। कभी उसको आप ये मानकर मत पढ़िएगा कि आगे बढ़ेगी ही, बढ़ेगी तो अलग बात है, नहीं तो उसको जब होना है तभी होगी। ऐसे में एक प्रोग्राम जो आपको लाभ पहुंचाए, सोच विचार कर मैंने शुरू करने का यहाँ पे निश्चय किया है। प्रोग्राम ये होगा कि हम लोग करेंट अफेयर पढ़ेंगे और करेंट अफेयर से GS की ओर जाएंगे। GS जो भी ट्रेडिशनल होगा उसको हम लोग करेंगे यहीं पे। हिस्ट्री में भी हम जा सकते हैं, ज्योग्राफी में भी हम जा सकते हैं, पॉलिटी में भी हम जा सकते हैं, इकोनॉमी में भी हम जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि करंट में कौन सा टॉपिक है उस हिसाब से जाएंगे। यानी कि पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारे पेपर का सिलेबस यहाँ पर कवर होता चलेगा, और प्रारंभिक परीक्षा की करेंट अफेयर की तैयारी और साथ में ट्रेडिशनल जो प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़ी बहुत उसकी तैयारी होती चली गई। हमने एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस किया था और उसमें सिलेबस डिस्कस किया था, फिर अगले वीडियो में रणनीति डिस्कस की थी। वहाँ पे पूछा था मैंने कि किसकी किस सब्जेक्ट की क्लास चलाई जाए, तो उसमें अधिकतर लोगों का यही था कि करेंट अफेयर कॉमन था। आगे जो भी और एक्स्ट्रा क्लासेज हो सकेंगी उसको सब्जेक्ट वाइज चलाया जाएगा, वो तो भविष्य में कुछ तय किया जाएगा, लेकिन फिलहाल एक जो सबसे ज़रूरी मुझे लगा वो मैंने यहाँ पर आपके सामने आज अभी मैं प्रस्तुत भी करने जा रहा हूँ और रखा है। और इसमें आप ये करिए, आप अपने सुझाव दीजिए, आप इसका लाभ उठाने के लिए इसको नोट करिए, आप मेंस का सिलेबस सामने रखिए, हमेशा उसको याद रखिए, प्री परीक्षा के पुराने प्रश्नों को देखते रहिए, फिर देखिए कि कैसे आपको इसका लाभ मिलता है। आपके सुझाव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मुझसे कुछ चीज़ें छूट जा रही हो सकता है कि मैं चाहते हुए भी उसको पूरा ना कवर कर पा रहा हूँ। तो आपके सुझाव अगर हमको मिलेंगे तो हम हमेशा उसको अपडेट करते हैं, ये पुरानी आदत रही है IAS Prep पे। हमेशा हर व्यक्ति जो इसका सब्सक्राइबर है, जो भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, उसका एक एक सुझाव बहुत बहुमूल्य है, ठीक है ना। ये IAS Prep एक परिवार है, इसमें परिवार की तरह हर व्यक्ति का महत्व है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए इसमें पार्टिसिपेट करिए। आज इसको स्टार्ट हम कर रहे हैं, इसमें प्रश्न लिखने भी आपको रहेंगे, मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्न जो कि छोटे बड़े हर तरह के होंगे। पैटर्न अभी UPPCS के तरफ से अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है वो UPSC जैसा रखेंगे या फिर MPPSC में जैसा होता आया है, छोटे बड़े सब प्रश्न उत्तराखंड में भी ऐसा पूछा जाता है वैसा करेंगे। हम लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे, फिलहाल हम लोग जनरल आंसर लिखेंगे, 50 शब्दों का, 150 शब्दों का भी हो सकता है, जिससे कि हमारी तैयारी चलती रहे। आज आप इसको देख लीजिए, डेमो मान के देख लीजिए, लेकिन ये है क्लास, इसको मत मानिएगा कि ये कोई मजाक किया गया है, और फिर आगे हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये यात्रा आगे चलेगी। जुलाई के प्रथम सप्ताह से यहाँ पे शुरुआत हुई है और जुलाई को पूरा हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। आज 12 जुलाई है, लेकिन हम लोग जुलाई के मतलब फर्स्ट ऑफ जुलाई 1 तारीख से इसको शुरू करेंगे और फिर ऐसे चलते रहेंगे। ज़रूरत जहाँ पड़ेगी, जितने की ज़रूरत होगी, आप लोगों का सहयोग रहा, अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद अगर इसको तैयार करो और रिस्पांस नहीं आता है तो थोड़ी सी निराशा होती है ना, तो फिर हम लोग पीछे जाके और भी महीनों के करंट अफेयर को डिस्कस कर लेंगे। 1 जुलाई के पेपर में था कि हैदराबाद में रामानुज की 216 फुट लंबी मूर्ति बनाई जाएगी। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पे प्री का कि कहाँ बनाई जाएगी, तो हैदराबाद में किसकी, रामानुज की 216 फुट। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न और क्या हो सकता है, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी, सेकंड, तो फर्स्ट कहाँ है ये बात आती है, तो
तो ये थाईलैंड का महान बुद्ध 302 फीट का है, ये सबसे ऊंची मूर्ति है, तो ये थाईलैंड में है सबसे ऊंची। ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब जब रामानुजाचार्य चर्चा में रहेंगे तो इन पे और भी प्रश्न बनाए जाएंगे। तो देखिए, हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट पेपर जीएस मेंस का पार्ट है, और प्रारंभिक परीक्षा में भी इसमें खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पुराने प्रश्न पलटेंगे तो आपको मिलेंगे। उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इनका कौन सा दर्शन था, तो ये विशिष्ट विशिष्टाद्वैतवाद था, है ना। तो फिर पूछा जाता है कि ये कैसे संत थे, ये वैष्णव संत थे, और इनका भक्ति परंपरा में बहुत गहरा प्रभाव रहा है। फिर बात आती है कि वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, रामानंद भी इसी शिष्य परंपरा में हुए, और रामानंद के जो शिष्य थे वो कौन थे, कबीर और सूरदास। कबीर कितने महान हुए, सूरदास कितने महान हुए। प्रश्न पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे, कबीर के और सूरदास के, कहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की इन्होंने, है ना, जैसे भी इन्होंने किया, तो ये रामानंद के यहाँ से। आगे बात आती है कि रामानुज ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत लिखा। एक ये फैक्ट आपके पास है। रामानुजाचार्य ने वेदांत के अलावा 7वीं 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी एवं भक्ति मार्गी अलवार संतों, अब अलवार संतों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल रही है, कैसे, रहस्यवादी एवं भक्ति मार्गी तथा दक्षिण के पंचरात्र परंपरा को अपने विचारों का आधार बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट दो रचनाएं ये देखिए, श्री भाष्यम वेदांत संग्रहम, ये क्या है, ब्रह्मसूत्र के भाष्य हैं जो इन्होंने लिखे हैं। मुख्य परीक्षा की जहां तक मैं बात बताऊं, यूपी पीसीएस में जो आगे पैटर्न आएगा, हो सकता है कि 50 शब्दों में आपसे रामानुज पे टिप्पणी पूछ ली जाए, कहा जाएगा 50 शब्दों में इनके बारे में लिखिए, तो आप करंट से रिलेट करके इन सारी चीजों को पुराने तक जाके लिख देंगे, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है मैं बता चुका हूँ। अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। भारत की 37वीं विश्व यूनेस्को विश्व विरासत साइट, अभी 36वीं इसको मिली थी, अहमदाबाद का आपने नाम सुना था, विश्व धरोहर सूची में अंकित होने वाला यह भारत का पहला शहर था। अब मुंबई दूसरा शहर हो गया है, और मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेबल इसमें शामिल किया गया है। ये निर्णय जो लिया गया, ये 42वां सत्र चल रहा था, कहाँ, मनामा में, ये कहाँ है, बहरीन में। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो रहा है कि मनामा कहाँ है। आप मैप में इसको देखिए, सब कुछ दूसरों के भरोसे न रहिए, न मेरे भरोसे रहिए, मैप लेके हमेशा एटलस लेके बैठिए, वहां पे इसको देखिए, वीडियो पॉज करिए, उसको देखिए, अच्छी तैयारी तभी हो पाएगी। तो इसको आप देख लीजिए, एक ज्योग्राफी का एक फैक्ट तैयार हो गया। अहमदाबाद के बाद ये दूसरा हो जाएगा। पिछले 5 वर्षों में भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपनी 7 संपत्तियों या साइटों को अंकित करवाने में कामयाबी हासिल की है। स्टेटमेंट देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में अब बात की जाए तो कुल 37 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, इनमें से 29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको फैक्ट के तौर पे तैयार रखना है। अब अभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि कौनवा स्थान है भारत का, तो विरासत संपत्तियों के माध्यम से मामले में देखा जाए तो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भारत, लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो इसका 6th स्थान है, 6ठा स्थान है, 6th पोजीशन है। अब बात आती है कि विश्व धरोहर स्थल क्या है, जो कि मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है, तो विश्व धरोहर स्थल क्या है ये भी हमको जान लेना चाहिए। तो विश्व धरोहर स्थल जो है ये एक विरासत स्थल होता है, जो प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र हो सकती है, संरचना हो सकती है, उसके तौर पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ये होता है और जिसके लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। और ये जो स्थल होते हैं, जो साइट होते हैं, इनको आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदान की जाती है, मान्यता प्राप्त होती है। अब यूनेस्को क्या कहता है इसके बारे में, यहां से परिभाषा आप निकाल सकते हैं इसकी। ये कहता है कि विश्व धरोहर के रूप में वर्गीकृत साइट मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक और ये शारीरिक यहाँ पे लिख गया है, ठीक है ना, महत्व रखते हैं, ठीक है ना, शारीरिक हो सकता है, शारीरिक, हाँ ठीक है, महत्व रखते हैं। तो इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, विश्व जो सांस्कृतिक स्थल है, विश्व विरासत स्थल है, ठीक है। सॉरी, मेरे गले में खराश बहुत हो जाती है, ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए बीच बीच में डिस्टरबेंस होती है। ये ऐसे आप तैयार करते चलेंगे अगर, तो आपको निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, हर एक में लाभ मिलेगा। जो सुझाव होंगे आप दीजिएगा। अगली एक बात आती है कि उड़ीसा सरकार ने आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए राइम्स के साथ समझौता किया है।
यहाँ पे हम देखेंगे राइम्स क्या है और जो ये हुआ है तो ये किस लिए हुआ है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 30 के बीच में जो सेंडाई फ्रेमवर्क में व्यक्त किया गया था, बहु खतरे यानी कि जो मल्टी हजार्ड्स होते हैं उनकी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता को बढ़ाने और वहां तक पहुंचने की वहां पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये जो वैश्विक प्रयास है सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत, उसी के तहत ये समझौता किया गया है कि ऐसा किया जा सके। अब बात आती है ये राइम्स है क्या। तो जो राइम्स है यानी कि क्षेत्रीय एकीकृत बहु आपदा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, ये 30 अप्रैल 2009 को इसकी स्थापना हुई थी और ये सदस्य राज्य जो इसके होते हैं उनके उपयोगकर्ता द्वारा प्रारंभिक तौर पर चेतावनी प्रणाली है जो कि प्रासंगिक सूचनाएं देती है ना। और ये एक अगर पूछा जाए आपसे कि संयुक्त राष्ट्र पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संस्था है, तो आप कहेंगे हाँ ये संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत है और इसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है 48 सदस्यों द्वारा किया जाता है। आपसे हो सकता है राइम्स के बारे में पूछा जाए अगर कोई बहुत करेंट बेस्ड पेपर बनाया जाएगा तो, नहीं तो आपको प्री के लिए बस इतना ही जानना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष बल के बारे में, स्पेस फोर्स के बारे में। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि स्पेस फोर्स की बात कहाँ से आई। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अंतरिक्ष सशस्त्र बलों की अंतरिक्ष बल या छठी शाखा बनाने की योजना बनाई है। अब ये जो बनाने जा रहे हैं इसमें हमको विचार करना होगा कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्या है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष में प्रभुत्व स्थापित करने की ये योजना है, यानी कि अमेरिका की, अमेरिकी नहीं, अमेरिका की अंतरिक्ष में प्रभुत्व स्थापित करने की ये योजना है। वो अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है, आज भी नासा के माध्यम से उसका एक प्रकार से प्रभुत्व ही है। सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन रहता है, नासा ही रहती है, जितना काम होता है उसमें से ज़्यादा नासा ही करती है। बात किया जाए कि ये क्या अच्छा विचार है, तो कहा जा रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य सैन्य शाखा केवल अमेरिकी सशस्त्र सेनाओं का सामना करने वाली संगठनात्मक चुनौतियों का मिश्रण करेगी, यही मेन हो जाएगी, ये प्रमुख हो जाएगी और सब गौण हो जाएंगी। ये चल रहे मिशनों को कम कर सकता है, जो बहुत सारे मिशन चल रहे हैं उनको कम कर सकता है क्योंकि सारा इसी पे ध्यान जाएगा। ये भविष्य में बजटीय आवंटन में काफी वृद्धि कर सकता है क्योंकि वहां पर ऐसा करने में स्पेस में पैसा बहुत लगेगा और ये संयुक्त युद्ध के क्षेत्र में अमरीकी प्रयासों को कमजोर कर सकता है ना। अमरीका इनसे पीछे हट सकता है। अब अंतरिक्ष बल रखना संभव क्यों नहीं है, इस पे बात की जा रही है। मेंस में आपसे जब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इंटरव्यू में, तब आप ऐसे पॉइंट्स को यूज करेंगे। अंतरिक्ष सेना की मूल कठिनाई क्या है, अंतरिक्ष का भौतिक वातावरण, अंतरिक्ष यान और मलबे के रूप में गंभीर जो नुकसान, बिना सैन्य संचालन के अनुकूल ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये वहां का जो माहौल है वो इसके अनुकूल नहीं है। अंतरिक्षयान को अधिक ईंधन कुशल बना दिया गया है लेकिन इसके बावजूद भी ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कम ऊर्जा में काम चल जाए, और प्रभुत्व की संभावना भी बढ़ जाएगी। अगर किसी का वहां पे नियंत्रण हो जाएगा तो वो प्रभुत्व की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ये इसको जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है सॉरी कि ये हो, ये सही नहीं है। आगे का रास्ता हम देखें तो अगर ऐसा होता है तो अमेरिका शीत युद्ध में वापस जा सकता है अगर ऐसा होगा। और एक उदाहरण ये रीगन प्रशासन की सामरिक रक्षा पहल का है, ठीक है ना। नई शक्ति का निर्माण कम से कम एक संस्थागत स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अमेरिकी युद्ध क्षमताओं के लिए क्या फायदे लाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका के लिए क्या इससे फायदा होगा, ठीक है ना। और शीत युद्ध की स्थिति आ सकती है, ठीक है ना, होड़ लग जाएगी। अग्नि पांच के बारे में बात की जाए तो अभी इसको परमाणु शस्त्रागार में शामिल करने की बात की जा रही है। अग्नि के बारे में हम बात करें जहां से प्रश्न बनते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में आपसे 50 शब्दों में अग्नि पांच के बारे में या अग्नि श्रृंखला के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सतह से सतह पे मार करने वाली है। अग्नि पांच की बात करें तो अग्नि पांच 5,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी, 1.5 टन वजन वाले परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और चीन के अधिकांश हिस्सों को ये कवर कर सकती है। और भारत के शस्त्रागार में देखा जाए सबसे लंबी मिसाइल है, लंबी दूरी की, यहाँ पे होना चाहिए लंबी दूरी की मिसाइल है। अग्नि श्रृंखला में और भी जो मिसाइलें हैं उनकी बात की जाए तो वर्तमान में अग्नि श्रृंखला में अग्नि एक है, दो है, तीन है, चार है। अग्नि एक जो फर्स्ट है वो 700 किलोमीटर रेंज है इसका, दो का 2,000 किलोमीटर रेंज है, थर्ड और फोर्थ की बात करें, यहाँ पे उलझाऊ प्रश्न बन सकता है, वो ये है कि इसका 2500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर के बीच में, 3500 किलोमीटर से ऊपर अधिक तक ये तीन और चार दोनों जा सकती हैं। पांचवे की हम पढ़ चुके हैं 5,000 किलोमीटर, जो कि रेंज हमने अभी देखा है।
आपदा जोखिम में कमी पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? उलान बटोर में हुआ। सबसे पहला जो फैक्ट है यही इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि ये सम्मेलन हुआ कहाँ, तो ये उलान बटोर में हुआ है ना। उलान बटोर कहाँ है? मंगोलिया में। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, अगर ज्योग्राफी से करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाना होगा तो ये बना दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के DRR और मंगोलिया सरकार द्वारा आयोजित, यानी UNISDR बोलते हैं उसको, इसको इन दोनों के द्वारा आयोजित किया गया, मंगोलिया सरकार और इसके द्वारा, ये जो सम्मेलन है ये आपदा जोखिम न्यूनता जो 2015 से 30 की अभी हमने बात की थी सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में 3 वर्षों की प्रतिबंध के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, प्रतिनिधित्व करेगा उसका। AMCDRR की बात की जाए तो 2018 जो ये सम्मेलन हुआ है इसकी थीम क्या है इसकी बात की जाए तो आपदा जोखिम को रोकना और सतत विकास की रक्षा करना, ये इसकी थीम है, आपको ध्यान में रखना है। उलान बटोर ध्यान रखिएगा, थीम ध्यान रखिएगा। अब बात आती है AMCDRR क्या है, तो AMCDRR 2005 में स्थापित किया गया संयुक्त रूप से विभिन्न एशियाई देशों और UNISDR द्वारा, एक द्विवार्षिक सम्मेलन है, 2005 में आयोजित है। भारत ने 2007 में नई दिल्ली में दूसरे AMCDRR की मेजबानी की थी, तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए भारत ने की है या नहीं की है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत कर चुका है, पहले भी सेंडाई फ्रेमवर्क आ चुका है, इस प्रश्न में भी आया, इस टॉपिक में भी आया, तो हम बात कर लेते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क है क्या, इस पे भी आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है, प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न बन सकते हैं। मार्च 2015 में सेंडाई कहाँ, जापान में आयोजित आपदा जोखिम के, यानी कि इसका रिलेटेड क्या है, इसका रिलेशन किससे है, इससे रिलेटेड है आपदा जोखिम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके कमी के तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान आपदा जोखिम के लिए 2015 से 30 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाया गया था। 2015 के बाद के विकास एजेंडे का सबसे बड़ा ये समझौता है, यानी कि आपको जब ये लिखना है तो ये ध्यान रखना है, और ये इसके 7 लक्ष्य हैं और 4 प्राथमिकताएं हैं, तो 7 और 4 ये आपको याद रखना है। और तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका समर्थन कर दिया गया, तो ये ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेमवर्क 15 साल के लिए है, 2015 से 30 के लिए 15 साल के लिए है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको, लिखते समय जहाँ पे भी ये पूछा जाए तो ये स्वैच्छिक है और गैर बाध्यकारी समझौता है, जो मान्यता देता है कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए राज्य की प्राथमिक भूमिका है, लेकिन ये जिम्मेदारी स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों समेत अन्य हितधारकों के साथ साझा की जा सकती है। ये 2 बार हितधारक हो गया है, अन्य हितधारक काट दीजिए, यानी कि राज्य की है जिम्मेदारी लेकिन अन्य लोग भी इसमें साझा होकर भूमिका निभा सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं। हब्बल अंतरिक्ष दूरदर्शी के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, इधर फिर ये चर्चा में रहा, इसके बारे में देख लें 2-4 लाइन। तो ये अंतरिक्ष में एक बड़ी दूरबीनों में से है, 1990 में इसको नासा ने लॉन्च किया था और इसमें सहयोग किया था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, नासा और यूरोपियन जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका ये संयुक्त उपक्रम है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। हब्बल एकमात्र दूरबीन है जिसे अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में सेवा के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया जाए तो सही है, या ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो कौन सी दूरबीन है, तो वो हब्बल है। आगे हम बात करते हैं गोल्डन ग्लोब रेस की, GGR इसको बोलते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि ये क्या है, तो ये नौका दौड़ है, और इस दौड़ की विशेषता ये है कि 1968 में इसको एक नाव थी, उसका नाम देखिए मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उस समय उससे इसको शुरू किया गया था, और उस समय जो इसकी डिजाइन थी, जो प्रौद्योगिकी थी, वही आज भी है, इसमें परिवर्तन करने की कोई अनुमति नहीं दी गई है, तो इस कारण से ना इसमें GPS, ना इसमें उपग्रह संचार, नेविगेशन एड्स, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, जैसी थी वैसी ही है। और भारतीय नौसेना के कमांडर अभिलाष टोमी एशिया से एकमात्र आमंत्रित व्यक्ति हैं, इसलिए इसका चर्चा में रहने का यही कारण है। 1968 के बाद में 2018 में 50 साल इसके पूरे हो रहे हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। GST दिवस की बात करें तो पहला GST दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया जाएगा, जो कर सुधार किए गए हैं GST के जरिए, उसी के उपलक्ष्य में कालिदास पुरस्कार, प्रश्न कई बार PCS में पूछा गया है, ये एंजली एना एला मेनन को इस बार का दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और 1980 में पहली बार दिया गया था। बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हम करें, इस पे PT में भी प्रश्न आ सकता है, मुख्य परीक्षा में भी आपका ये उपयोगी है, आप कहीं भी इसको लिखने में, इकोनॉमी के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो एक स्वतंत्र बैंकिंग उद्योग निगरानी है जो भारत में बैंकिंग सेवाओं के उपभोक्ताओं की सुरक्षा करता है, ग्राहकों के बैंक की वचनबद्धता संहिता के अनुपालन की देखरेख करता है,
और ये एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के तौर पर इसको पंजीकृत किया गया है। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है, इससे प्री और मेंस दोनों आपका तैयार होता चला जा रहा है। आपका सुझाव आमंत्रित है, इसमें और आगे दायरा बढ़ाया जाएगा। आज जितने भी आपको ये टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनमें से आप जो भी टॉपिक लिखना चाहें, जहाँ पे जैसे अब GST दिवस की बात की जाए तो उस पर तो आप 50 शब्द नहीं लिख सकते ना, उसमें लिखने का कोई प्रश्न बनने का वही नहीं है। लेकिन शुरुआत के जैसे रामानुजाचार्य पे आप लिख सकते हैं, आप नोट करिए, आप एक लिखिएगा 50 शब्दों में रामानुज के बारे में, आप लिखिएगा ये एक विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं इसके बारे में लिखिएगा 20 से 50 शब्दों के बीच में, और आप एक लिखिएगा यहाँ पर सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में 50 शब्दों में आप लिखिएगा, और अग्नि श्रृंखला पे टिप्पणी कीजिएगा 50 शब्दों में। ये सब क्वेश्चन नोट करिए और बस, और सारा कोई इतना बड़ा वो नहीं है। इन प्रश्नों को आप लिखकर, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लिखकर मित्रों के बीच में रखना चाहते हैं, तो आप IAS प्रेप का जो फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पोस्ट करिए, आपस में डिस्कशन हो जाएगा, एक दूसरे की कमियाँ एक दूसरे की अच्छाइयाँ आप लोग जान जाएंगे और सुधार होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। सुझाव दीजिएगा क्लास कहाँ तक बेनिफिशियल है, इसमें और क्या सुधार किया जाए, आगे और ट्रेडिशनल पार्ट को इसमें शामिल किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ, लेकिन आपके सुझाव के इंतज़ार में। ओके, बाय बाय।